हेलो दोस्तों दोस्तों आज मैं लेके चलूंगा मथुरा वृंदावन की एक फेमस जगह जो है निधि वन। और निधि वन को शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा वो फेमस क्यों है, मैं वीडियो में आगे बता दूंगा। लेकिन आने वाले टाइम में मैं एक पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ मथुरा वृंदावन के ऊपर, जिसमें बहुत सारे मंदिर बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जो आप लोगों के लिए बिल्कुल अननोन होंगी। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ निधि वन और देखते हैं वहाँ पर कि नवंबर 2022 में क्या कुछ चीज़ें मतलब चेंज हुई हैं और कैसा लगता है वो आज की डेट में वहाँ। तो आइए मेरे साथ और घूमते हैं निधि वन। निधि वन तक आप गाड़ी में नहीं जा सकते, उसके लिए आपको गाड़ी पार्किंग में लगानी होगी और जो मुझे मिली बिहारी जी के यहाँ पर, और वहाँ से 10 रुपये का ई रिक्शा लेकर के आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ई रिक्शा से उतरने के बाद आपको यहाँ से पैदल ही जाना होगा यहाँ की गलियों से होते हुए। ये आप सामने देख सकते हैं ये गलियां हैं और इस तरह से लस्सी वाला भी, यहाँ पर बहुत जगह आपको लस्सी मिलेगी बड़ी फेमस और बहुत अच्छी होती है। मंदिर के एंट्री गेट से पहले ही आपको ये मार्केट दिखाई देगी जो लोकल मार्केट, दोनों साइड आप देख सकते हैं और यहाँ से भीड़ होनी शुरू हो गई है। तो मार्केट क्रॉस करते हुए हम पहुँचे मेन गेट पर जो एंट्री गेट है निधि वन का, आप सामने देख सकते हैं और यहाँ से काफ़ी भीड़ हमें देखने को मिली। ये जो वृंदावन का निधि वन है ये बहुत फेमस जगह है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, तो भीड़ को देख के आप अंदाज़ा यहाँ लगा सकते हैं। तो गेट से एंट्री करने के बाद कुछ ऐसा आपको व्यू दिखाई देगा और ये प्रसाद के लिए कुछ जगह बनी हुई है और यहाँ से अंदर हम एंट्री करेंगे इस गेट से। तो एंट्री करने के बाद हमने ये कुछ जगह ऐसी देखी जो अभी बांस की पट्टियों से कवर कर दी गई है और ये काफ़ी अच्छा काम किया है क्योंकि यहाँ पर बंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और किसी को कोई दिक्कत ना हो इसलिए, और लोगों के लिए भी है कहीं ना कहीं क्योंकि वो लोग जो हैं उन पेड़ों को यहीं से देख सकते हैं क्योंकि लोग उनके पत्ते उनकी टहनियाँ अक्सर ले जाते थे पहले, ऐसा मैंने सुना है। और पेड़ की जड़ों से मिट्टी भी यहाँ से ले जाते हुए लोग अक्सर देखे जाते हैं जो कि गलत है। और ये आप देख सकते हैं ये जो पेड़ हैं बाहर, और मैक्सिमम जो पेड़ हैं यहाँ पर आपको तुलसी के मिलेंगे जो काफ़ी बड़े बड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। और काफ़ी टाइम पहले एक बार मैं जब आया था तो ये कवर नहीं थी जगह, तो ये खुला था पूरा। तो ये पेड़ की जो शेप आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसी ही मिलेगी, यहाँ पर सीधा पेड़ आपको कोई भी नहीं मिलेगा, ये एक बहुत ही मतलब अजीब सी चीज़ है। और ये आप देख सकते हैं वृक्षों और पेड़ों की जड़ों से मिट्टी लेना सख्त मना है। दोस्तों निधि वन की जो मान्यता है अगर मैं इसकी बात करूं तो बताते हैं कि रात को श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं और जिन लोगों ने भी देखना चाहा वो या तो पागल हो गए हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है, ऐसा यहाँ सुनने में आता है। इसलिए शाम को आरती के बाद इसको बंद कर देते हैं और फिर यहाँ कोई नहीं रहता उसके बाद। यहाँ पर जो ज़्यादातर वृक्ष देखे गए हैं वो तुलसी के देखे गए हैं और जो एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए रहते हैं जैसे कि वो नृत्य कर रहे हों। और ये बहुत बड़े एरिया में है, यहाँ पर 2 से 2.5 एकड़ एरिया में ये फैले हुए हैं और कोई भी जो पेड़ है वो सीधा नहीं है। और यहाँ पर बीच बीच में मंदिर भी बनाए गए हैं जैसे आप सामने देख सकते हैं। ये और ये जो पेड़ आप सामने देख रहे हैं ये देखिए इसी आकार के सारे पेड़ आपको लगभग यहाँ दिखाई देंगे, कोई भी पेड़ आपको सीधा नहीं मिलेगा। और ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर पेड़ की जड़ से मिट्टी निकाल रहे हैं जैसा कि बोर्ड पे मना किया हुआ था, फिर भी लोग नहीं मानते हैं। यहाँ की जो मान्यता है बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो यहाँ दर्शन भी करते हैं, डांस भी करते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ सैटरडे संडे में देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ के गाइड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो बताते हैं कि निधि वन में जो 16,000 वृक्ष हैं आपस में जो गुथे हुए दिखाई देते हैं वो असल में रात को रानियाँ बनकर श्री कृष्ण के साथ रास रचाती हैं और रात में श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के एक रंग महल में विश्राम भी करते हैं और सुबह जब दरवाज़ा खोला जाता है तो सारा सामान फैला हुआ मिलता है, ऐसा लोगों ने देखा भी है।
और रात को 8 बजे के बाद यहाँ पर निधिवन में आपको कोई भी नहीं मिलेगा, ना पुजारी, ना बंदर, ना कोई इंसान, पशु पक्षी, कोई भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। और जैसा मैंने बताया था कि निधिवन के बीच बीच में जो आपको मंदिर देखने को मिलेंगे वो कुछ इस तरह से बने हुए मिलेंगे, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और खूब जम के लोग यहाँ डांस करते हैं और काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं भक्ति में, तो आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में घूमे निधिवन और जो बीच बीच में मंदिर थे हमने वो भी देखा, लोगों का डांस भी देखा, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी देखी, और ये कुछ इस तरह का पूरा कवर किया हुआ है मैंने ये भी दिखाया, और बाहर जितने पेड़ हैं आप यहीं से देख सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ और मैं मिलूँगा आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।